अल्पसंख्यक नहीं, मैं दुनिया के बहुमत से वास्ता रखता हूँ। बहुमत जो उदास है, खामोश है, प्यासा है। इतने चश्मों के बावजूद ये लाइन पंजाबी भाषा के मशहूर कवि सुरजीत पतार का है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पंजाब के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार सुरजीत पतार का निधन हो गया। लुधियाना स्थित घर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रात को ठीक ठाक सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। पतार के बेटे के ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पतार के शव को डीएमसी की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पतार के निधन पर पंजाब के बड़े नेताओं ने शोक प्रकट किया। सीएम भगवत मान ने एक्स पर लिखा, पंजाबी भाषा के गौरवशाली सपूत सुरजीत पतार के अचानक निधन पर बेहद दुखद है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पतार के निधन को एक युग का अंत बताया और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई। कैप्टन ने कहा, पंजाब में आज एक आइकन खो दिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने पोस्ट किया, पंजाबी मातृभाषा की सेवा करके उसे विश्व मानचित्र पर चमकाने वाले हमारे प्रिय पद्मश्री सुरजीत पतार का निधन अत्यंत दुखद है। ये पंजाबी साहित्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति भी है। इस दुखद की घड़ी में परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उस महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। पद्मश्री साहित्यकार सुरजीत पतार ने गांव पत्तड़ कला के स्कूल में चौथी कक्षा तक की पढ़ाई की। इसके बाद दूसरे गांव खैरा मांझा से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। सुरजीत पतार ने पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जलंधर के पतार कला गांव के रहने वाले पतार लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से पंजाबी के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 60 के दशक के मध्य से कविता लिखना शुरू कर दिया। पतार की प्रख्यात काव्य रचनाओं में हवा विच लिखे हर्फ, हनेरे विच सुलगदी, वरणमाला, पतझड़ दीप, पजेब, लफजादी दरगाह और सूरजमीन शामिल है। सुरजीत पतार ने फेडोरिको गार्सिया लोरका की तीन त्रासदियों, गिरीश कर्नाड के नाटक नागमंडला और बर्टोल ब्रेखस्ट और पाब्दलो नेरुदा की कविताओं का पंजाबी में अनुवाद किया है। उन्होंने जीन जीराडोक्स, यूरिपिड्स और रेसिन के नाटकों को भी रूपांतरित किया। पतार ने शेख फरीद से लेकर शिव कुमार बटालवी तक पंजाबी कवियों पर टेली स्क्रिप्ट लिखी। सुरजीत पतार को पंजाबी साहित्य अकादमी कोलकाता की भारतीय भाषा परिषद के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान आदि से सम्मानित किया गया।